इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे के सारे एग्जाम के जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी इसका राइट आंसर होगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल हो जाएगा। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुएल कोहेल ने किया था, सैमुएल कोहेल। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा होता है। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्राहम ने दिया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ। समुद्र में पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 होती है। पसलियों की हड्डियों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 24 आपको देना है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है तो कांच में न्यूनतम होता है। समुद्र की गहराई मापा जाता है फैदोमीटर से मापा जाता है। एसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है पेट्रोल एंड इथेनॉल। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण है उत्तल। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस राइट आंसर। मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो इसका राइट आंसर तांबा होगा, मेलाकाइट तांबा का खनिज है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्रोटीन राइट आंसर होगा। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो टाइफाइड राइट आंसर होगा। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट राइट आंसर। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। केलामाइन किसका अयस्क है? तो राइट आंसर जिंक का होगा। नींबू का पीएच मान होता है 2.2। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए राइट आंसर। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। रक्त कालपता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से राइट आंसर हो जाएगा। समान व्यक्ति की सामर्थ होती है 0.05 से लेके 1.0 अशक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगे होती है लंबवत। समीकरण E=mc² में c दर्शाता है प्रकाश की गति को। विटामिन ई के कमी से निर्मित रोग है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी हो जाएगा तो आपको जनन क्षमता में कमी आ जाएगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया ल्यूवेन हॉक हॉलैंड ने। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? सौ मंडल राइट आंसर। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कले की जाती है जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा कहलाती है। रांगा मिश्र धातु है टीन व सीसा का। बायोगैस में मुख्यता होता है मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का प्रावर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है आरएनए द्वारा। ग्लूकोमा एंड ट्रोकोमा बीमारी है आँखों की। हेनरी की इकाई है प्रेरकत्व। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन व प्रोपेन का। कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है KWH मीटर कहलाता है। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो राइट आंसर द्वितीयक सेल। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है? राइट आंसर सिल्वर। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है राइट आंसर वोल्ट मीटर द्वारा। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनोन है। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 है। जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया हरगोविंद खुराना ने। सनी के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को।
लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो राइट आंसर ऊर्जा होगा। जी की इकाई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, राइट आंसर। CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? कास्टिक चूना, राइट आंसर। सिलेक्ट लाइम हो जाएगा।